हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं वो क्लिप लगाऊंगी। मैं कल गई थी, खास तौर से गई मैं, क्योंकि अब हमें दो दिन और कहीं बैठना है। एरिया वाइज बैठती है ना पर्ची, एक जगह बैठ के एक एरिया की, दूसरी जगह बैठ के दूसरी एरिया की, तीसरी जगह बैठ के तीसरी एरिया की। तो मैं कल इसी वजह से गई, जैसे मुझे पता चला। तो मैं मदरसे की क्लिप ऊपर अपनी वीडियो में लगाऊंगी। आप देखें क्या मदरसे में बैठ के लोग मुसलमान हो जाते हैं, राखी बंधवा के लोग हिंदू हो जाते हैं। यार बड़ी तकलीफ की बात है, बहुत तकलीफ की बात है कि हिंदुस्तान में रह के लोग ऐसे बात करते हैं। और मुस्लिम कंट्री है, वहाँ की बात करें तो एक बात अलग आती है, लेकिन ये हिंदुस्तान सबका सब तरह के लोग, हर मज़हब के लोग है ना। तो मैं वो क्लिप लगाऊंगी। हाँ, तो एक बात बताऊँ तो दुनिया की बात करती है तो इतनी बात करती है, तो इतना बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, लेकिन तूने बच्चे को शुशु कहना नहीं सिखाया। इतना बड़ा होने के बाद ही मैंने ये देखा कि वो डायपर पहन के आ रहा था। बच्ची मेरी भी थी, मेरे पास बैठी थी, सवाल ही नहीं उठती। रात को एक बजे भी आएगा तो वो शुशु के लिए उठ के कहती है मुझे शुशु आया। और जब वो कहीं जाती है, ट्यूशन पढ़ने जाती है, अभी स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ है, 4 साल की नहीं हुई है, जब वो ट्यूशन जाती है उसकी मम्मी उसके डायपर लगा देती हैं, तो वो आके जब शुशु आती तो कहती है मुझे शुशु आई उतारो। तो एक आदत, मैंने क्या कहा, माँ बाप कुम्हार होते हैं, बार बार कहती हैं बच्चा कच्ची मट्टी होता है, जैसी आदत डालो। और शायद तुझे कुछ पता ही नहीं है, आप WHO की रिपोर्ट तो पढ़ के डायपर लगाने से लड़कों को क्या होता है, जान है ना पता। एक वक्त होता है डायपर का, ये नहीं कह, हर एक वक्त होता है हर चीज़ का, उस वक्त के अनुसार वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो तुमने शुशु कहना नहीं सिखाया, लेकिन हाँ गाली देनी उसे पक्की आती होगी, क्योंकि गाली तू देती है, तू गाली दे के ही बात करती है घर में, तो वो ज़रूर आती होगी, है ना। हाँ, मैं ये दिखा रही, इस बात का मतलब मेरा ये है कि तू अपने बच्चों की परवरिश देख, क्या परवरिश कर रही है तू बच्चों की, ये दिख भी रहा है ना। और देख एक बात सुन, शहजादा तो शहजादा ही होता है, शहजादी का क्या है, शहजादी का कुछ नहीं है, है ना। देखो जो माँ करेगी वही बच्चे सीखेंगे, बच्चे कुछ भी नहीं होते, बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चे तो कच्ची मट्टी हैं, जो माँ करेगी वही होती है। तू कह रही ना कि एक बात तो है कि तो तू जो भी बोलेगी बोलेगी तो झूठ, तो कह रही मैं लड़ रही थी, मैं लड़ी थोड़ी हूँ ना जैसे, अरे लड़ी कब है, लड़ना के क्या मतलब, लड़ने आज तो आमने सामने होती है, सोशल मीडिया पे होती है, लड़ाई की कोई बात नहीं है, लड़ाई नहीं की है तूने, तूने उन्हें गलत बोला है, तूने करैक्टर की उंगली हद कर दी थी, करैक्टर पर उंगली उठाई है। और जो इंसान सही होता है ना बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक हद होती है बर्दाश्त करने की, हद होती है, जी हाँ है ना। ब्लेम तू हमें मत कर कि दो बिल्लियाँ आपस में लड़ लेंगी, पता नहीं दो बंदर आपस में, दो बिल्ली आपस में लड़ रही थी, बंदर ने आके तीसरे ने फायदा उठा लिया, तूने सही उदाहरण भी तो नहीं दिया है ना। तो वो दो बिल्लियाँ तुम क्यों लड़ रही थी, तू उसके घर जाती ना, या उससे फ़ोन पे बात करती, मुझे नहीं लगता ना जैसे उससे बात नहीं करती, पर्सनल उसे मैसेज करती अच्छे से, मुझे नहीं लगता वो तेरे से बात नहीं करती। लेकिन नहीं, तुझे तो कंट्रोवर्सी चाहिए थी, तुझे तो व्यूज चाहिए थे, ऐसा नहीं होता है, है जब तुझे कंट्रोवर्सी चाहिए थी, दूसरे को गंदा बोल के, दूसरे के करेक्टर पे उंगली उठा के, दूसरे की पूरी नई नई बहू घर में आई है उसके सामने तो उसके घर की धज्जियाँ उड़ा रही है, क्या सोचेगी वो, उसके परिवार वाले क्या सोचेंगे। तो हर आदमी इज्जत चाहता है, हर आदमी अपनी सेफ साइड चाहता है, है तो सब कुछ बोल रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, बड़ी बहू के बारे में बोल रही है कुछ भी, तो आदमी एक्शन तो लेगा ना, लेगा ना। अब तो जो है, अब मैंने कहा था ना परसों की वीडियो में, कुछ लोग अपनी गलतियां दूसरों के कंधों पे रख के पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। अब ये अपनी गलती का जो रख रही है ना, वो हमारे कंधों पे रख के आगे बढ़ रही है कि अरे उन्होंने ऐसा किया तो इस वजह से ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा किया तो इस वजह से हो गया, या नाजिया के ऊपर गलती लग रही है कि नाजिया ने ऐसा किया तो वो ऐसा हो गया, है ना। हाँ, और तो एक बात बोलती है ना बार बार कि मैं बिन माँ की हूँ, मैं बिन माँ की हूँ, मैं बिन माँ की हूँ, है ना, कि 11 साल की उम्र में मेरी माँ मर गई, तभी तो तुझे 14 साल की उम्र से तेरे कीड़े कुल बुलाने लगे, समझ गई। और शायद तेरी माँ तेरे पास होती तो ये तरबियत तेरी नहीं होती, तू ऐसी नहीं होती। काश जिन बच्चियों की सिर पे माँ होती है ना, उनकी तरबियत सही होती। अब तेरी तरबियत क्या बिगड़ी, तो अपने बच्चों को भी वैसी ही तरबियत दे रही है, शायद तू ऐसी नहीं होती, है ना। दूसरों को हमेशा गलत ठहराने वाली शायद नहीं होती, तुझे गलत और सही का अंदाज होता, लेकिन तू निगेटिव बोल रहा था, तू निगेटिव ही बोलती है, निगेटिव ही निकालती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि निगेटिव ही निकालते हैं, है ना। देख एक बात, तूने कहा ना हर माँ को डिगाना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल सही कहा, हर औरत एक अगर माँ होती है तो उसे डिगाना बहुत मुश्किल होता है, जब उसके बच्चे पे बात आती है ना, वो कुछ भी कर लेती है। ये हर माँ के ऊपर लागू होता है, तेरे ऊपर ही नहीं, हर माँ के ऊपर लागू होता है। मुमताज जी को देख ना, उनके तो तूने सारे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, बहुओं को, दामाद को कहा, क्या वो एक माँ नहीं है, वो भी तो एक माँ है, है ना। तो ये हर माँ के लिए बात होता है, जी हाँ। अब क्या देख एक बात सुन, तू पढ़ी लिखी है ना, जरूरी थोड़ी है सोशल मीडिया से कमाना, तेरा जरूरी थोड़ी है कि तू सोशल मीडिया से कमाई, तू तो पढ़ी लिखी है, कहती है मैं BPO में जॉब कर चुकी हूँ, मैंने वहाँ जाके अपनी पढ़ाई पूरी करी, जब 17 साल की उम्र में तो भाग के उसके कहाँ चले गई थी, फिर बताऊँ दोबारा आसाम गई थी, और आसाम से तुझे तेरे घर वाले तुझे ले आए वापस, तो तूने यहाँ आकर अपनी
पढ़ाई की जैसे कि कमेंट सब लगा हुआ है ना। उसके बाद तो दोबारा फिर पहले तेरा एक रिश्ता टूटा, उसके बाद फिर एक रिश्ता टूटा तेरा, समझे। रिश्ता टूटने के बाद फिर तू उसके साथ आई है ना, तो तू तो खुद बताती मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई जरूरी है गंदगी में रहना, तुझे केस लग रहे हैं, सब हो रहे हैं, तू क्यों ऐसा कर रही है, तू जॉब कर सकती है आराम से, तू अपने को पढ़ी लिखी बताती है। मैं तो सारी डिग्रियाँ दिखा दूँगी अपनी, एमए तक की, बीटी से तक सारी डिग्रियाँ दिखा दूँगी, तू पढ़ी लिखी है तो जॉब कर तू, अरे रहने दे तो कुछ नहीं। और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम इतने चल रहे हैं कि घर बैठे कर सकता है, बाहर तुझे वो जाने नहीं देगा जॉब के लिए, ये तो पक्का है ना। वर्क फ्रॉम होम कर सकती है ना, बीपीओ में जॉब कर चुकी है, लेकिन तुझे वो बाहर जाने नहीं देगा, ये है ना। तो वर्क फ्रॉम होम करने बहुत काम है, कोई ज़रूरी नहीं है ये है लोगों को बैठ के गलत बोलना, उल्टा सीधा बोलना, और आज क्या उसका नतीजा भुगतने को तू तैयार है ना। लेकिन तेरी यहाँ मजबूरी है बैठने की, लोगों को इरीटेट करने की, तू लोगों को करती है इरीटेट, समझे। देख कह रही ना, मेरा इंसाफ तो वो ऊपर वाला करेगा, रिजक देने वाला तो ऊपर वाला है। बिल्कुल, मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, रिजक देने वाला ऊपर वाला है, और वो दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ वही करेगा, बिल्कुल करेगा। और बात एक बहुत बड़ी बात बताऊँ मैं तुम्हें, जानकारी बहुत है ऐसे हर नशे की, सूखा नशा, गीला नशा, मोटा नशा, पतला नशा, कि वो सूखा नशा करता है। सूखा नशा क्या होता है, इसे ऐसी जानकारियाँ हैं कहाँ से। मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी इसकी ऐसी है, ये ऐसे लोगों में बैठती है, शायद इसे वही जानकारी है। कहते हैं ना एक दायरा होता है इंसान का, वो जिस दायरे में आदमी रहता है ना, अगर वो चाहे कितना पढ़ा लिखा है, कितनी बड़ी उसकी बिजनेस है, लेकिन वो लेबर क्लास में रहता है ना, तो उसकी लैंग्वेज लेबर क्लास की, अबे वो इधर आ, अबे ये कर, अबे वो कर, है ना। ऑफिस में बैठने वाले बंदे की एक अलग लैंग्वेज होती है, तो इस मुझे ऐसा लगता है कि इसका दायरा ही, बार बार कह रही है मिर्चें लग गई, उसे मिर्चें लग गई ना जी, मिर्चें लग गई, अरे उसे मिर्चें कहाँ लगी हैं। एक लाइव आई थी, लाइव मैंने अभी उसकी एक दो दिन पहले भी देखी थी, एक लाइव आई थी वही वाली, उस लाइव के बाद वो अभी तक उन्होंने तेरे लिए आधी बात नहीं कही है, उनकी फैमिली ने कुछ नहीं बोला है, उन्होंने कुछ नहीं बोला उस लाइव के बाद, तो बराबर हर रोज़ उनका लिए बोल रही है काली मैना करके। मिर्चें फिर बता किसके लगी, उनके लगी या तेरे लगी, बता, मिर्चें तेरे लगी हुई हैं, इसलिए तू हर रोज़ बोलती है, समझे। और मैं तो तेरे पीछे हूँ, तू जो बोलेगी उसका जवाब मैं तुझे हर हाल में दूंगी, समझे। और देख एक बात सुन, तू कहती है मेरे चैनल पर डेली व्लॉग भी आएगा, मेरे चैनल पर रिएक्शन व्लॉग भी आएगा, जिसे जो देखना है वो देख लेना। जी नहीं, तेरे चैनल पे वो आएगा जिस पर व्यूज़ आएंगे। तो पब्लिक का सी मत बना, तो पब्लिक का बेवकूफ मत बना, ये ऑडियंस बड़ी भोली है, मैंने तेरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है सारा, है ना। क्या है तू, कहाँ, तुमने 14 साल की उम्र से लेकर तेरी 30 साल तक की जर्नी का बता दिया है सब, जो तूने बिल्कुल गलत बताया था। वीडियो डाउनलोड करी हुई रखी है मेरे पास सारी तेरी, समझे। तो मिर्ची किसी लगे, मिर्ची लगी तुझे, तू बोलती है रोज उनका नाम ले लेके, वो तो नाम भी नहीं ले रही तेरा, जो करने वाला करता है, बोलता नहीं है, समझे। जी हाँ, और एक बात सुन, छूट सफ़ेद आएंगे वही तेरी वीडियो में आएगा, समझे। और बैक एक बात सुन, ग्रुप ग्रुप क्या, ग्रुप अटैक, तो उस ग्रुप का, जिस भी ग्रुप का अटैक है उस निकलेगी, आपस में प्यार नहीं बन सकता, आपस में सौहार्द नहीं बन सकता। और ये कुछ चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े बड़े एक्सपोर्टर मेरे यहाँ आते हैं, मेरे पीतल का काम होता है मेरे मुरादाबाद में, ऑल वर्ल्ड सप्लाई होता है, और पूरी लोग यहाँ, लोग यहाँ, थोड़ी सी महंगाई इसी वजह से है कि बाहर ये एक्सपोर्ट एरिया है, समझे, पीतल का काम। और सारे मॉडर्न लोग हैं, बड़े बड़े फर्म, हिंदू भी हैं, मोमजन भी है, बड़े बड़े फर्म के लोग, फर्मी लोग होते हैं, बोटी के जब पर्चे लेने आते हैं, कितने अच्छे से बात करने का उनका तरीका होता है, कितना अच्छे से बात करते हैं। तो ये चंद ही लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने नौ दुर्गों के व्रत रखे, और जब मैंने पान खरीदे, पान चढ़ता है, पान सुपारी, दजा नारियल, पान चढ़ता है, तो वो पान मैंने मुसलमान की दुकान से लिया, और मुसलमान ने अपने हाथों से दिया, और ला के मैंने अपनी देवी को चढ़ाया, तो क्या वो क्या। जब एक मूर्ति बनती है हमारे यहाँ, तो एक सिल्ली आती है पीतल की, या पीतल की आती है, या मेटल की आती है, जिस चीज़ की भी बनती है हमारे यहाँ ये काम होता है, तो उसमें अगर देवी माँ की बनती है तो हाथ कहीं बनता है, पैर कहीं बनता है, सिर कहीं बनता है, फिर उसे जोड़ा जाता है, मुसलमान जोड़ता है, फिर उस पर पॉलिश भी, मुसलमान कारीगर ज़्यादा होते हैं, हिंदू कारीगर कम होते हैं, उस पर पॉलिश होती है, पॉलिश होकर फिर वो तैयार होती है, तैयार होकर फिर पैकिंग होकर जाती है, एक मुसलमान के हाथ की बनी हुई, और एक मंदिर में जाके रखी जाती है। गणेश जी बनते हैं तो सूंड कहीं बनती है, सिर कहीं बनता है, हाथ कहीं बनता है, पैर कहीं बनता है, फिर पहले सिल्ली गलाई जाती है, सिल्ली गला के फिर उसे आकार में निकाला जाता है, फिर उसके बाद जो है उसे जोड़ा जाता है, उस मूर्ति को जोड़ के फिर वो एक, सारे मोमडन हैं, सारे सिल्ली वाले 80% मोमडन काम करता है, वो जाके कहाँ रखी जाती है, एक मंदिर में रखी जाती है। ये केवल आपके दिमाग की बात है, जब तक आपके दिमाग, जब तक पढ़ा लिखा इंसान वो बेकार है, अगर उसकी मैं क्या बताऊँ, क्या बोलूँ, मैं इतना कुछ है मेरे पास बोलने के लिए कल की वीडियो का,
रक्षाबंधन की बहुत कुछ है, क्योंकि इसे क्या पता है, ये केवल 10-11 साल से इस धर्म में आई है, जैसा लोगों ने इसे बता दिया है वो इसे पता है, ये पैदा हुई है जिस धर्म में, जितना उसे उस धर्म की जानकारी यहाँ की नहीं। मुझे, मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल निकाले हैं और ज़्यादातर मेरा हर धर्म की, मैं यूनियन में हूँ, यूनियन में हर धर्म के लोग होते हैं, हर धर्म से बात करती हूँ, यही भाईचारे की एक संदेश दिया जाता है और मैं एक भाईचारे का ही संदेश दे रही हूँ। प्यार सबसे मेन चीज़ है, इंसान के अंदर प्यार होना चाहिए, प्यार ही नहीं है तो बेकार है। अरे हम तो चले जाएंगे दुनिया से, हिंदू मुस्लिम क्या रह जाएगा क्या? तो कुछ लोग जो है इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, मैं बता रही हूँ। चलो ठीक है, मेरी बात पसंद आपको आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। अच्छी देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, कोई फेशियल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आईब्रो तक नहीं, आप देख लीजिए, कुछ नहीं, बिल्कुल नेचुरल लुक मिलेगा, हेयर कलर जरूर लगता है मेरे बालों में, क्योंकि हमारे यहाँ जेनेटिक है, शुरू से ही बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं 16-17 की उम्र, साल की उम्र से ही। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आपको एक अगले सुबह के साथ, है ना, अगली बात के साथ। तो मैं फिर कह रही हूँ कि हर बात का जवाब दूंगी मैं, इसका अच्छी तरह से दूंगी, बहुत अच्छी तरीके से दूंगी। ठीक है, ओके।